It doesn't, huh? ये हॉस्पिटल है। हाँ सब खिड़की उड़की तो सब नहीं, कुछ नहीं सर, और इसका मेन गेट इधर है। अच्छा जी, ये रिसेप्शन वगैरह बनाया है। हाँ, और ये मेन गेट है, एंट्री है। सरकार बोलती है कि वो तो लोकेशन दूर है ना, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसका क्या उपयोग करें बाद में। तो 10 साल से यही सोच रहे हैं, सब ले गए, सब कुछ ले गए। 2014 से मतलब 8 साल हो गए। हाँ 8 साल से ऐसे ही पड़ा है। कितने करोड़ बनाया इसको? सर मेरे अंदाजन 50-60 करोड़ तो होंगे ही, और जमीन का तो वाउचर लिया है। जमीन का काउंट करोगे तो वो तो आसमान पे चला जाएगा। फिर सरकार तो आयुर्वेद आयुर्वेद बहुत चलाती है। हाँ आयुष मंत्रालय की बोलती है, कुछ नहीं है सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली और टायर अपने। मुझे विकास पटेल जी ने बताया कि यहाँ एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई थी। गुजरात की बीजेपी सरकार ने ये हॉस्पिटल बनवाया था, लेकिन 10 साल पहले ये बिल्डिंग बना दी गई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, ना इसका पोजेशन लिया, यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट करना, मेडिकल फैसिलिटीज देना, लोगों का इलाज करना तो बहुत दूर। तो ये बड़े शर्म की बात है कि 10 साल पहले 60-70 करोड़ रुपए खर्च करके ये इतनी शानदार बिल्डिंग यहाँ बनाई गई, और उसके बाद में उसको ऐसे ही पड़े रहने छोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा बिल्डिंग बना के उसमें दिलचस्पी ज़्यादा थी, कि बिल्डिंग बनाई जाए, किसी ठेकेदार से पैसा खा लिया जाए, हॉस्पिटल बनाने में नहीं थी। वरना इतनी शानदार बिल्डिंग कि कुछ नहीं होने के बावजूद इतनी खड़ी हुई है, तो इसमें तो एक शानदार हॉस्पिटल चल सकता था। पूरे नॉर्थ गुजरात में लोग हॉस्पिटल के लिए रो रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे करोड़ों रुपये खर्च करके, 60-70 करोड़ रुपये खर्च करके बनाया गया, ये दिखाता है कि कैसे गुजरात सरकार की इंटरेस्ट ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है इनका। हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल में इलाज को, हॉस्पिटल में फ्री दवाइयों को ये लोग फ्री भी बोलते हैं, तो फ्री में बिल्डिंग बना के छोड़ देंगे लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं करेंगे। बस वो पिटीशन सर थोड़ा चला, फिर कट ऑफ में डाल दिया वो भी। वो कितना गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो फिर कट ऑफ में डाल देते, होने के बावजूद खाली 23 लोगों को रखने की जगह थी सिद्धपुर सिविल में। 23 के अलावा ऊपर एक भी बंदा नहीं रख पाते थे हम।